एवरीवन, वेलकम टू द गर्ल्स पावर पूजा। और दोस्तों, मैं हूँ पूजा। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूँ फ्लिपकार्ट अंडर 500 रुपीज सारी शॉपिंग हॉल। सो गाइज, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगेगी, बिकॉज मैंने यहाँ पर सारी की सारी साड़ियाँ अंडर बजट होकर के ही परचेज की हैं और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है यार। आप आराम से इसे कहीं पे भी डाल सकते हो, डेली वियर के लिए बहुत अच्छी हैं, छोटे मोटे पार्टी वगैरह के लिए बहुत अच्छी हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इनमें से कुछ। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं वही शेयर करने वाली हूँ, फैब्रिक वगैरह काफ़ी ज़्यादा ऑसम है। अब देखते हैं, बात करेंगे इसी के ऊपर कि 500 के अंदर अंदर आपको कौन सी साड़ी मिल रही है, आपको लेना चाहिए या नहीं, कितनी सही है आपके लिए। सो हे गाइस, सबसे पहले बात कर लूँ मैं अपनी फर्स्ट साड़ी की। सो कुछ इस तरीके से रिसीव हुई है और आफ्टर डिस्काउंट इसका मतलब जो ऑफर प्राइस होता है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा कि मैंने इसका कितना पे किया है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि सौभाग्यवती भवा की जो साड़ी है आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मीशो वगैरह पे हर जगह आपको मिल जाएगी। सो फर्स्ट मेरा कुछ इस तरीके से है। ये बात करूं यार इसके कलर की, तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर रेड कलर मिल रहा है, चुनरी वाला कलर है ये। और बात करूं इसकी फैब्रिक की, तो जॉर्जेट की फैब्रिक है, काफ़ी अच्छा बेट वगैरह है इसका, फिनिशिंग वगैरह बहुत सुंदर है। बात करूं इसके लेस की, तो आपको ऑल ओवर लेस में यहाँ पर सौभाग्यवती भवा का पूरा कोटेशन मिल रहा है। कलर की बात करूँ तो जो टमाटरी वाला रेड होता है ना वो है। तो चलिए देखते हैं हम साड़ी पूरा लुक वगैरह कैसे आपको मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लूँ मैं इसके आंचल की, तो आंचल पे आपको यहाँ पर टसल्स दिया जा रहा है, कुछ इस तरीके से लटकन बोल सकते हो, थ्रेड का टसल है कुछ इस तरीके से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, मतलब आपको यहाँ पर जो आंचल है इसका, आंचल वाला जो पार्ट है वहाँ पर आपको चार लटकन दी जा रही है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मैचिंग पार्ट है साड़ी का। ऑल ओवर साड़ी का कलर टमाटरी रेड है, उसके ऊपर आपको येलो एंड वाइट का प्रिंट मिल रहा है, देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर चौड़ी वाली लेस मिल रही है, बॉर्डर भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये तो दिखा रही हूँ मैं नीचे वाली साइड का, बात करूँ मैं इसके ऊपर वाली साइड का, सो कुछ इस तरीके से मेंशंस मिलता है, सौभाग्यवती भवा मतलब सदा सौभाग्यवती भवा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको मिल रहा है ये ऊपर वाली साइड में लैस, जो पल्ले वाला साइड होता है ना वो वाला है साइड ये। और बात करूँ नीचे की, तो नीचे आपको कुछ इस तरीके से यहाँ सर चौड़ी वाली लैस मिल रही है, देख सकते हो आप, ये देखिए आप कुछ इस तरीके से, प्योर जॉर्जेट का फैब्रिक है इस साड़ी का, बहुत ही सुंदर सॉफ्ट वाला फैब्रिक है। और यार आफ्टर डिस्काउंट आई थिंक मुझे 408 रुपये का पड़ा है ये। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लेस मिल रही है, साथ ही जो इसका टक करने वाला पार्ट होता है ना पीछे, उसने में आपको नहीं दिया गया है। और ऑल ओवर साड़ी में आपको प्रिंट मिल रहा है, मे बी वॉश करने के बाद ना जाए ये, ठीक है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि नहीं जाएगा, बट देखती हूँ मैं 1 मिनट। ओ देख सकते हो आप, अगर थोड़ी सी केयर करोगे आप तब नहीं जाएगा, जैसे मतलब जितने मैंने हार्डली इसको रब किया, अगर आप ऐसा रब करोगे चला जाएगा, बट अगर आप थोड़ा सा केयर करोगे तो नहीं जाएगा। जैसे देख सकते हो आप, प्रिंट यहाँ पर उधड़ गया है ये देखो दोनों का, तो आपको थोड़ा सा इसका ध्यान देना होगा। नवरात्रि वगैरह के लिए बहुत अच्छा है यार, थोड़ा सा केयरिंग करो आराम चलेगा। इसके साथ गाइज आपको ब्लाउज का फैब्रिक भी मिल रहा है, और ब्लाउज के फैब्रिक में भी आपको कुछ इस तरीके से लेस मिल रही है, सदा सौभाग्यवती भवा का यहाँ पर भी मैसेज मिल रहा है। और बात करूँ इसके फैब्रिक की, तो ये साटन वाला है, बट काफ़ी अच्छा साटन की क्वालिटी नहीं है इसके ब्लाउज की, 80 सेंटीमीटर से भी कम है, मतलब जो पतले लोग हैं उनके लिए ब्लाउज काफ़ी ज़्यादा इनफ होगा, बट मेरे जैसे हेल्दी लोगों के लिए नहीं है ये। क्योंकि गाइज जो मैं अपना ब्लाउज सिलवाती हूँ वो 1 मीटर लेकर के ही मैं अलग से फैब्रिक स्टिच करवाती हूँ, बिकॉज मुझे बोट नेक के साथ साथ फुल स्लीव्स अच्छी लगती है, इसलिए थोड़ा सा फैब्रिक मैं ज़्यादा लेती हूँ ब्लाउज का। सो कुछ इस तरीके से, फर्स्ट ये कलर इसका टमाटरी रेड है, फैब्रिक इसका जॉर्जेट है और सॉफ्ट वाला जॉर्जेट, उसके ऊपर आपको प्रिंट मिल रहा है। अगर ये प्रिंट वॉश करने के बाद चला भी जाता है तब भी आप इसे प्लेन एज ए रेड साड़ी भी आप इसे कर सकते हैं, बट बहुत ही सुंदर चुनरी वाला प्रिंट इसे बोलते हैं वो आपको मिल रही है फर्स्ट साड़ी कुछ इस तरीके से। बात करूँ मैं गाइस अपने सेकेंड की, तो सेकेंड मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है, और इसका यार मुझे लुक वगैरह बहुत सुंदर लगा, मतलब जो मॉडल ने पिक बियर की है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगी उसमें, क्योंकि रेटिंग वगैरह रिव्यू वगैरह इसकी बहुत अच्छे थे। सो सेम ये भी रेड ही कलर की साड़ी है, रेड फैमिली का ही मैंने इसे परचेज किया है, और इसका जो फैब्रिक है वो आई थिंक सिल्क है, उसमें सिल्क मेंशन था। तो गाइज आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा कि इसका फैब्रिक मेन क्या है, मुझे इतना कन्फर्म नहीं, बट ये सॉफ्ट वाला सिल्क है। सो बात करूँ मैं इस साड़ी की, तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर साड़ी मिल जाती है यार, लुक वगैरह इसका बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। सो ये तो है इसका आंचल वाला पार्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम से सॉफ्ट है, आप कहीं पे भी इसे ऐसे आराम से डाल सकते हो, अच्छे से आपके ऊपर ये चिपक जाएगी, प्लेट वगैरह बहुत सुंदर बनेगा। बात करूँ इसके आंचल की, आंचल आपको यहाँ पर
कुछ इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है, वोवन डिजाइन है इसके ऊपर, जो कांजीवरम वाला आजकल साड़ी होती है ना, सेम वो वाला लुक मिल रहा है। और अंदर 500 के अंदर आप क्या ही लोगे यार, मतलब 450 के समथिंग पड़ी है ये, तो उसके अंदर आपको क्या ही मिलेगा। सो कुछ इस तरीके से ऑल ओवर साड़ी पे आपको यहाँ पर प्रिंट एंड पैटर्न मिल जाता है। रेड कलर की साड़ी है ये, देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से सॉफ्ट वाला सिल्क है, ऊपर आपको कुछ इस तरीके से बॉर्डर मिलता है। बात करूँ नीचे की, नीचे आपको थोड़ी सी चौड़ी और बॉर्डर मिल रही है यहाँ पर, सेम ही जो जरी वाला आजकल काम होता है ना, वो वाला काम है इस पर। काफ़ी अच्छा गोल्डन जरी का वर्क हुआ है इस पर, बट काफ़ी अच्छा, मतलब कि ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया है आपने, काफ़ी महंगी नहीं लग रही, बट 500 के अंदर है, 500 रुपये के अंदर है, तो उसके हिसाब से बहुत ही ज़्यादा मैचिंग है। सो कुछ इस तरीके से आपको ऑल ओवर साड़ी में यहाँ पर प्रिंट मिलने वाला है। उसके बाद यहाँ से आपको प्लेन साड़ी रिसीव हो जाती है, कुछ इस तरीके, जहाँ से आपका मतलब टक करने वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पर आपको पूरी पूरी प्लेन साड़ी मिल रही है। उसके साथ साथ गाइस बात करूँ इसकी ब्लाउज की, तो आपको यहाँ पर पूरा का पूरा 1 मीटर का आपको यहाँ पर ब्लाउज का फैब्रिक मिल रहा है, काफ़ी अच्छा डॉट डॉट फैब्रिक इसके ऊपर है, ब्लाउज वाले फैब्रिक के ऊपर, मतलब बहुत ही सुंदर। अगर आप यहाँ तक की स्लीव्स बनवाते हो ना, एल्बो वाली स्लीव्स, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा लुक मिल जाएगा। और इस पर भी आपको कुछ इस तरीके से बॉर्डर दिए हैं, जिसमें कि अगर आप लाइनिंग लगवा करके अच्छे तरीके से प्रॉपर टेलर से स्टिच करवाते हो, तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक मिल जाने वाला है। सो कुछ इस तरीके से है, ये भी टमाटरी रेड कलर की है, और इसका जो फैब्रिक है वो सॉफ्ट वाला सिल्क है। कांजीवरम लुक देने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, बट 500 रुपये में कोई भी कांजीवरम साड़ी आपको नहीं मिलेगी यार, तो क्या ही लोगे आप 500 में। लेकिन 500 के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त डील थी ये। सो ही गाइस, बात करूँ मैं अपने थर्ड साड़ी की, तो थर्ड मुझे यहाँ पर कुछ ही तरीके से रिसीव हुई है। ये भी सेम ही मैंने परचेज किया है, बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू वगैरह था, सो वो देख करके परचेज किया है मैंने यहाँ पर। गाइज यहाँ पर जो मेरा कलर है साड़ी का, वो येलो कलर है, सेम इसको भी कांजीवरम लुक प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। बात करूँ इसके कलर की, तो ये मस्टर्ड वाला येलो कलर है, आई थिंक मस्टर्ड वाला येलो ही है ये, और काफ़ी अच्छा इसका भी सॉफ्टनेस वाला फैब्रिक है, अंडर 500 रुपीज़ है ये। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर साड़ी मिल जाती है। बात करूँ इसके आँचल की, तो आँचल आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न से मिलता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हल्की वाली साड़ी है यार, काफ़ी अच्छे से पिनअप वगैरह करके फुल मेकअप करो, बहुत मैचिंग की चूड़ियाँ डालो, बहुत ही मैचिंग लुक मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके से है साड़ी, ये बहुत ही सुंदर लुक कलर आपको मिल जाने वाला है। इसमें रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन है ऑल ओवर साड़ी में। सो फर्स्ट ऊपर का कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर बॉर्डर मिलता है, एंड नीचे का आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न मिलने वाला है, देख सकते हो आप, बॉर्डर काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा हुआ है इसमें, मतलब स्टिच नहीं हुआ है, डायरेक्टली ये कुछ इस तरीके से है, तो काफ़ी अच्छा इसमें लुक प्रोवाइड किया गया है, बहुत ही सुंदर देख सकते हो आप साड़ी यार, काफ़ी अच्छा सॉफ्ट वाला सिल्क है यहाँ पर। सो ऑल ओवर आपको कुछ इस तरीके से साड़ी मिल जाती है, नीचे आपको काफ़ी चौड़ा सा रेड कलर का बॉर्डर मिल जाने वाला है, और ऊपर आपको थोड़ा सा छोटा बॉर्डर मिल रहा है, हल्की भी है, मतलब ट्रांसपेरेंट है, बट अगर आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट फैब्रिक लेते हो, थोड़ा सा हल्का फैब्रिक लेते हो, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, ब्रीथेबल रहता है, जिससे आपको गर्मी नहीं लगेगी और काफ़ी ज़्यादा हैवी फील नहीं होगा। सो कुछ इस तरीके से है। बात करूँ इसके ब्लाउज की, तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेम ही फैब्रिक में आपको ब्लाउज मिलने वाला है, बट थोड़ा सा पैटर्न इसका चेंज है ब्लाउज का, पूरा का पूरा रेड के ऊपर आपको गोल्डन का यहाँ पर डिजाइन मिल रहा है लाइनिंग के द्वारा, अगर आप इसे स्टिच करवाओगे बहुत ही मैचिंग लुक आपको मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके से है, ये मस्टर्ड येलो एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, ये भी बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही हल्की, इतने में ही आ गई साड़ी है, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, 500 के अंदर मिली है, तो इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा सही होगा। कहीं पे भी आप छोटा मोटा फंक्शन मतलब अटेंड करने वाले हो, जैसे कि नवरात्रे वगैरह हो गए, गणेश चतुर्थी हो गई, या फिर आप रामनवमी वगैरह पर उसे डाल सकते हो, तो 500 के अंदर आपने लिया, आराम से ब्लाउज वगैरह रेडी करवाया, आपका 1000 रुपये तक का पड़ जाता है, और 1000 रुपये में एकदम मस्त जबरदस्त साड़ी आपके पास हो जाती है। गाइस बात करूँ मैं अपने फोर्थ साड़ी की, तो फोर्थ मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिसीव हुई है। इसका मुझे यार पैटर्न बहुत ही सुंदर लगा, सो फैब्रिक की क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी लगी, बिकॉज रेटिंग बहुत अच्छी थी। सो बात करती हूँ मैं इसकी, तो आपको यहाँ पर मल्टी कलर की स्ट्रिप वाली साड़ी मिल जाती है, बिकॉज मल्टी कलर का आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड है। सो आपको यहाँ पर देख सकते हो स्काई कलर, उसके बाद पीच कलर, पिंक, ग्रे, फिर उस यहाँ पर आपको मिल जाता है लाइट वाला जो मिंट कलर होता है ना वो, फिर स्काई कलर, डार्क ब्लू, पिंक, रेड, ऐसे करके कुछ यहाँ पर आपको पीच कलर का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लेस मिल रही है, साटन की लेस है इसमें, उसके ऊपर आपको बीड्स का काम हुआ पड़ा है मोतियों का।
सो बात कर लेते हैं हम ऑल ओवर साड़ी की। तो सबसे पहले बात करूँ गाइज मैं इसके फैब्रिक की, तो आपको यहाँ पर जॉर्जेट का फैब्रिक मिल रहा है और प्योर सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, काफ़ी अच्छी सॉफ्ट वाली साड़ी है ये। मतलब बहुत ही सुंदर अमेजिंग सा लुक आपको मिल जाने वाला, आप देख सकते हो पूरा पूरा लुक बदल जाता है इस साड़ी से। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर आंचल मिलता है, आंचल पे ऑल ओवर आपको यहाँ पर लैस मिलने वाली है, साटन की कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है कुछ इस तरीके से। और देख सकते हो आप ये रहा यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट, मतलब ऊपर वाले पार्ट में आपको कुछ इतना ही लेस दिया जा रहा है, ठीक है। आई थिंक 2.5 मीटर लेस लगता होगा ऊपर वाले पार्ट में। बात करूँ इसके नीचे वाले पार्ट में, मतलब जो नीचे वाला होता है, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लेस मिल रही है। सो काफ़ी अच्छी यार क्वालिटी है इसकी, स्ट्रिप वगैरह की फैब्रिक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मैजिंग है, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, लाइट वेट है, डालने के बाद लुक वगैरह बहुत ज़्यादा मैजिंग मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा कलरफुल है, पॉपअप वाला कलर है, तो आप इससे कैरी कर सकते हो। यहाँ तक आपको कुछ तरीके से लेस मिल रही है, उसके बाद आपको प्लेन मिला जो कि टक करने वाला पार्ट होता है गाइज, इसके साथ ब्लाउज का फैब्रिक भी मिल रहा है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे मतलब लेंथ का फैब्रिक मिल रहा है, इस फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, ब्लाउज की मतलब काफ़ी अच्छा थिक वाला फैब्रिक यहाँ पर दिया जा रहा है। लाइनिंग आप लगा लोगे तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन में फैब्रिक मिल रहा है, सेम रामा ग्रीन कलर है ये, स्काई कलर नहीं, आई थिंक रामा ग्रीन कलर ही है, देख सकते हो आप, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। यहाँ पर आपको फैब्रिक दिया जा रहा है ब्लाउज का, इसके साथ आप लाइनिंग लगा करके अच्छे तरीके से प्रॉपर स्टिच करवाओ बहुत इमेजिंग लुक मिल जाएगा। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर साड़ी मिल जाती है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी साड़ी ये, 5.5 मीटर मतलब 5.5 मीटर के आपको यहाँ पर साड़ी मिलती है, सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है, काफ़ी अच्छी वेट है इसका, लेंथ भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आप किसी भी हाइट के हैं तो आप इसे डाल सकते हैं, ले सकते हैं, 500 के अंदर अंदर मिलने वाली आपको, बहुत ही ज़बरदस्त डील थी, तो आप लोग एक बार बाय जरूर कीजिएगा। सो हे गाइस, बात करूँ अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की, मैंने मीशो से कुछ टॉप परचेज किए थे, मैं नेक्स्ट वीडियो में से नहीं ऐड कर पाई बिकॉज डिलीवर नहीं हुए, तो इस वीडियो में ऐड करने वाली हूँ। सो फर्स्ट मुझे यहाँ पर कुछ इस तरीके से रिसीव हुआ है ये टॉप, और ये अंडर 300 रुपीज़ था, तो इसके बारे में बात करते हैं हम। तो कुछ इस तरीके से मुझे ये टॉप रिसीव हुआ है, कलर वगैरह यार मैंने बहुत सोच समझ करके लिया है, यहाँ पर मैंने परचेज किया है मजेंटा कलर का टॉप, काफ़ी अच्छी इसकी पफ़ी स्लीव से, बात करूँ उसके फैब्रिक की तो पॉलिस्टर का फैब्रिक है इसका, काफ़ी ज़्यादा थिक है ये, पफ़ी पफ़ी आपको यहाँ पर स्लीव से मिल रही है। बात करूँ नेक की तो स्वीट हर्ट आपको स्क्वायर नेक मतलब फ्रंट से मिल रहा है, स्वीट ने हर्ट नेक बोलते हैं कुछ इस तरीके से। साइज परचेज किए मैंने यहाँ पर एक्सल में भी आ जाए एक्सल ये, ठीक है। सो बात करूँ इसके बैग के, बैग आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से इलास्टिक मिल रही है, साइज यहाँ पर एक्सल आपको मिल रहा है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो फैब्रिक वगैरह बहुत सुंदर लगा, टॉप के लिए बहुत अच्छा है, बट मैंने एज ए ब्लाउज पेयर करने के लिए इसे परचेज किया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है ब्लाउज का लुक इसमें अच्छा नहीं आएगा बिकॉज थोड़ा सा लॉन्ग है नीचे से, लेंथ इसका थोड़ा ज़्यादा लेंथी है ये, कुछ इस तरीके से है ये, बहुत ही अच्छी फैब्रिक है, अगर आप लोग कॉलेज वगैरह जाते हैं स्कूल वगैरह तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अंडर 300 रुपीज़ के हैं। अब अपने नेक्स्ट टॉप की, तो नेक्स्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा यार बिकॉज इसका रिव्यू वगैरह बहुत सुंदर था, ये भी सेम ही साइज है एक्सल साइज मैंने यहाँ पर परचेज की है, ठीक है। कुछ इस तरीके से चेकेट मतलब वो वाइट एंड ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आपको मिलने वाला है, इसका भी फैब्रिक बहुत ही अच्छा थिक वाला फैब्रिक है, कॉलर वाला आपको यहाँ पर टॉप मिल जा रहा है, क्रॉप टॉप है ये, काफ़ी अच्छा बी नेक है, पूरा का पूरा व्हाइट कलर का कलर मिल रहा है, फुल स्लीव्स मिल रही है वो भी व्हाइट कलर की, बहुत ही ज़्यादा मैजिंग लगने वाला है, आप इसे प्लाजो के साथ स्कर्ट के साथ बहुत अच्छे तरीके से डाल सकते हैं, आप साड़ी के साथ भी इसे लुक ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर टॉप मिलने वाला है, विंटर में आप इसे लेयरिंग कर सकते हैं कुछ इस तरीके से है ये, फैब्रिक वगैरह इसका बहुत सुंदर है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक है, क्वालिटी वगैरह मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी, साइज़ मैंने परचेज की है एक्सल, देख सकते हो आप बहुत ही सुंदर लुक आपको मिल जाने वाला है यहाँ पर। सो हे गाइस, बात करूँ मैं अपने लास्ट की बट नॉट लीस्ट साड़ी की, सो मुझे कुछ इस तरीके से रिसीव हुई है ये, पैकेजिंग में फ्लिपकार्ट थोड़ा सा प्रूव कर रहा है अभी, तो पैकेजिंग वगैरह के लिए आप शक नहीं कर सकते हो। सो बहुत अच्छी इसकी यार रेटिंग थी, कलर इसमें मुझे रिसीव हुआ यहाँ पर ग्रीन कलर का, काफ़ी अच्छी रेटिंग थी और इसके कलर भी बहुत सारे अवेलेबल थे, बट मैंने यहाँ पर ट्राई किया ग्रीन बिकॉज मेरे पास कोई भी ग्रीन साड़ी नहीं है, और इसे पूरा का पूरा कांजीवरम लुक दिया गया है, आप इसे कांजीवरम साड़ी बोल सकते हो, कम बजट में कांजीवरम साड़ी है ये,
कलर इसका आपको मिल जाने वाला है यहाँ पर ग्रीन, और इसके साथ साथ आपको ब्लाउज भी मिलने वाला है, मतलब ब्लाउज का फैब्रिक भी प्रोवाइड किया गया है। सो गाइस बात करूँ मैं इसके आंचल की, तो आंचल आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर वुवन डिजाइन में मिल जाता है, गोल्डन कलर का है, और ये प्रॉपर गोल्डन नहीं, ये कॉपर वाला गोल्ड है, कॉपर कलर मतलब है। यहाँ पर आपको कॉपर कलर का कुछ इस तरीके से ब्लाउज मिलता है, फ्रंट पे आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऊपर वाली लैस दी जा रही है, मतलब बॉर्डर बोल सकते हो, नीचे आपको थोड़ी सी चौड़ी लैस दी जा रही है। देखो जो कांजीवरम साड़ी होती है ना, उसका ऑल ओवर लुक उसके लैस पे मतलब बॉर्डर पे डिपेंड करता है, तो बॉर्डर इसका वाव है। इसका जो बेस है वो ग्रीन है, ग्रीन के ऊपर आपको कॉपर वाला फ्लावर प्रिंट मिल रहा है, मतलब फ्लावर की डिजाइन मिल रही है वोवन वाली, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर साड़ी मिल रही है गोल्डन के साथ, आप बहुत अच्छे तरीके से इसे कैरी कर सकते हो। पिंक ब्लाउज के साथ तो बहुत ही रॉयल लुक आपको मिल जाने वाला है। सो कुछ इस तरीके से है साड़ी, ये देख सकते हो आप, सिर्फ वहीं तक आपको ये साड़ी में प्रिंट और डिजाइन मिल रही है जहाँ तक आपका प्लेट वगैरह स्टार्ट होगी, उसके बाद आपको यहाँ पर प्लेन साड़ी रिसीव हो जा रही है। कुछ इस तरीके से पूरी की पूरी ऑल ओवर सॉलिड प्लेन वाला कलर है, उसके बाद आपको ब्लाउज का यहाँ पर फैब्रिक मिल रहा है, तो ये आप बॉर्डर में अटैच करवा सकते हो ब्लाउज के साथ, स्लीव्स में, कमर में, उसके बाद आपको एकदम पूरा का पूरा प्लेन ब्लाउज यहाँ पर फैब्रिक दिया जा रहा है। बहुत ही सॉफ्ट वाला फैब्रिक है, एकदम सुंदर सा इसका फैब्रिक मुझे लग रहा है, देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट है, आराम से लाइट वेट है, आप डाल सकते हो इसे, अच्छे तरीके से वॉक वगैरह कर सकते हो, गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है, सर्दियों में भी आप लेयरिंग करके इसे डाल सकते हो। सो है गाइज कुछ इस तरीके से रही मेरी आज की वीडियो, फ्लिपकार्ट 500 रुपीज़ अंडर शॉपिंग साड़ी हॉल। होप फ्लिपकार्ट आपको बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ आपको इनमें से कौन सी साड़ियाँ पसंद आई प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके साथ अगर आपको लेना तो आप इनमें से कौन सी लेंगे, साथ ही नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए या फिर किस शॉपिंग हॉल पे चाहिए वो भी आप बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा, मैं उसी पे सेम नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। सो हे गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट अमेजिंग इंटरेस्टिंग शॉपिंग हॉल के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल, बाय।